अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड तो आज मुझे थोड़ा सा कोल्ड हो रहा है, बट मैं तुम्हें आना जरूरी था। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। तो जैसे कि आज मैं जाने वाली हूँ सरोजनी नगर, तो सोचा क्यों ना आप लोगों को भी मैं साथ लेके जाऊँ और मैं आपको सीधा वहीं मिलूंगी रेडी होके। तो चलो जल्दी से रेडी हो जाते हैं। तू क्या है? मैं भी जाऊंगा सरोजनी नगर। तू क्या करेगा जाके? का कपड़े लाऊंगा। का कपड़े लाएगा? अच्छा, और इसके बाद इंशाल्लाह हम जरूर चैलेंज वीडियो भी बनाएंगे, है ना? हाँ बनाएंगे। ठीक है, तो आ जाना। तो चलिए चलते जल्दी से। तो फरहीन, मैं और सोनिया बाजी रेडी होके निकल चुके थे, और जहाँ से हम जाते हैं वहाँ से येलो लाइन जाती है, फिर हम डेली हार्ट पे उतर के फिर हमें पिंक लाइन लेनी थी सरोजनी नगर के लिए। तो अब यहाँ हम उसी का वेट कर रहे थे, और फिर हमने गेट नंबर 1 से एग्ज़िट करा था क्योंकि 2 बंद हो चुका था। और 1 से एग्ज़िट करने के बाद सीधा आप जब जाओगे तो वहाँ देखोगे वहाँ पर काफ़ी लोग होते हैं जो बैठे रहते हैं, मतलब ईयरिंग्स वगैरह देते। बट उस दिन नहीं था जिस दिन हम लोग गए थे, क्योंकि उस दिन शायद मंडे या ट्यूज़डे था, इन दोनों में दिन गए थे तो नहीं था। ये था सरोजनी नगर का गेट नंबर 3। तो हमने यहाँ से एंट्री ली थी, और सबसे पहले अंदर जाते ही छोटी छोटी से हेयर क्लिप मिल रहे थे, और ये आगे सोनिया जी और फरहीन चल रही हैं, और यहाँ पे एथनिक ज्वेलरी मिल रही थी। जिनको ये पसंद हो तो ले सकता है वहाँ से, बट मुझे पसंद नहीं है इतना तो मैं नहीं लेती। और यहाँ था थोड़ा खाना पीने का स्टॉल, जिस सबसे पहले जाके थोड़ा सा पेट पूजा कर लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है, देखना पड़ता है, तो इंसान थक जाता है। तो सबसे पहले वहाँ जाते ही मैंने एक लेडी, वो ऑलरेडी सूट देख रही थी, तो मैंने जाके थोड़ा सा वीडियो बना लिया था। और वहाँ पे ही बहुत सारे प्यारे प्यारे से बैग मिल रहे थे, जो कि ये मेरे तो बहुत फेवरेट है। और वही जाके आप थोड़ा सा आगे जाओगे सरोजनी नगर में, जहाँ से आप एंट्री करते हो, जहाँ खाने का स्टॉल है, वहीं पे आपको ये बेल्ट मिल जाएंगी बहुत ही प्यारे प्यारे से, जो कि आप सूट के ऊपर भी ट्राई कर सकते हो, या जीन्स में भी लगा सकते हो, या किसी शर्ट वगैरह पर भी लगा सकते हो, जो कि बहुत प्यारी मिलती है। और ये 100 रुपीज़ की शर्ट मिल रही थी, जिसका प्राइस मुझे पता है उसका मैंने आपको मेंशन कर रखा है, जिसका नहीं पता सॉरी, तो मैं नेक्स्ट टाइम ज़रूर ट्राई करूँगी कि मेंशन करूँ। और ये बहुत प्यारे प्यारे से ट्रेंडिंग ईयरिंग्स थे, जो कि आप लोगों ने बहुत देखा होगा, बहुत से ब्लॉगर्स, बहुत से यूट्यूबर ये वेयर करते हैं, और मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है, जो कि ये 100 या 250 के रेंज में था, तो इसका मुझे पता था, तो ये मैंने आपको बता दिया। पर मैं कोशिश करूँगी आगे जब भी मैं जाऊँ तो आप लोगों के साथ प्राइस भी शेयर करूँ और शॉप नंबर भी, ठीक है? तो ये बहुत प्यारे प्यारे से ईयरिंग्स थे, और ये बहुत ही न्यू शॉप खुली थी शायद ये, और ये क्यूट क्यूट से बैग मिल रहे थे, और ये शूज़ भी बहुत काफ़ी अच्छे थे, और शूज़ पहने तो मुझे बहुत पसंद है। और ये थोड़ा सा ज्वेलरी मिल रही थी, ईयरिंग्स मिल रहे थे उसी के बाहर। तो आगे जाके हमने देखा तो ये थोड़े लोअर टाइप में 150 की रेंज में ये पैंट्स मिल रही थी, बट मैंने ये नहीं ली। और फिर जब हमने उसके राइट साइड हम मुड़े तो आप देख सकते हो कितने प्यारे प्यारे कॉट शर्ट्स मिल रही थी, ये बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, और उसमें की फ्रॉक्स भी मिल रही थी, बहुत प्यारे प्यारे कलर्स थे। और ऑलरेडी मैं ले चुकी हूँ, क्योंकि जब मैं जनपद गई थी वहाँ से मैं कॉट शर्ट ले चुकी थी। जिन लोगों ने मेरा वाला ब्लॉग नहीं देखा तो जल्दी से जाके वाला ब्लॉग भी देखे। फिर आगे शॉप में जाके मैंने शूज़ ट्राई करे, क्योंकि मुझे एक वाइट में शूज़ चाहिए थे विदाउट सोल, मुझे नहीं पता उनको क्या कहते क्या नहीं कहते, तो मुझे बिल्कुल प्लेन में वाइट शूज़ ट्राई करने थे। बट जब मैंने ये पहन के ट्राई करा तो मुझे, मतलब वैसे तो कम्फर्टेबल था मैंने, पर मुझे ना थोड़ा सा ऐसे स्कूल वाली फीलिंग आ रही थी, तो इतना मुझे आपको मेरे चेहरे एक्सप्रेशन से पता चल जाएगा। कंफर्टेबल तो था बट मुझे लुक इतना अच्छा नहीं लगा। और यहाँ कुछ जीन्स मिल रहे थे, डेनिम्स मिल रहे थे। बस मैं आपको ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि आप कभी भी सरोजनी से जीन्स मत लेना, क्योंकि साइज़ का थोड़ा प्रॉब्लम रहता तो आगे जाके प्रॉब्लम होती। तो ये 350 के रेंज में टी शर्ट्स मिल रही थी, बहुत ही अच्छी अच्छी टी शर्ट्स थी जो मैंने लिया। मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट अपने ब्लॉग में वीडियो में वो भी शेयर करूँगी। यहाँ पर हील्स मिल रही थी, बहुत प्यारी प्यारी थी, और बहुत प्यारे प्यारे कलर थे, और बहुत ही इंटरेस्टिंग से लग रहे थे। और फ्लैट्स भी काफ़ी अच्छे अच्छे रेंज में थे, आप ये देख सकते हो। जोगर कहते मुझे नहीं पता, बट 400-350 के रेंज में ये भी मिल रहे थे। और फ्लैट स्लीपर, जिनको फ्लैट स्लीपर्स का बहुत शौक है तो वो भी ले सकते हो। और ये वाले शूज़ आप लोगों को बता दूँ कि 350 के रेंज में मिल रहे थे, हाँ 350 के रेंज में, तो जिनको जो भी पसंद है तो जाके वो ले सकता है। और ये बिल्कुल जो शेड्स थे यहाँ पे थे 100 या 250 के रेंज में थे, बट मैंने इतना प्राइस पूछना भूल गई थी, तो एक एक करके मैं आपको दिखा रही थी वहाँ पे कि क्या क्या है, कौन कौन से शेड्स हैं, तो आप ले सकते हो, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और ये तो हम सर्दियों में भी लगा सकते हैं, गर्मियों में भी लगा सकते हैं, तो आप लोग ले सकते हो। फिर ये नेक्स्ट हम टी शर्ट्स देख रहे थे, क्योंकि मुझे टी शर्ट्स पहनना बहुत शौक है। और ये क्यूट क्यूट सी ड्रेसेस मिल रही थी, जिसमें कि समर गाउन थे। और जिन लोगों को नहीं पता कि सरोजनी नगर में भी इंसेंस है,
तो आज उन लोगों को भी पता चल जाएगी कि हाँ सरोजनी नगर में भी इन सेल्स है। अगर आपको बाहर की शॉप्स पे कुछ पसंद नहीं आता जींस वगैरह, तो आप अंदर जा सकते हो। और मैं गई थी, मैंने जाके ये एक जींस ट्राई करी थी जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि मैं इन सेल्स की जींस पहनती हूँ, मुझे ये वाली अच्छी नहीं लगी थी। और बाहर आए तो हमें काफ़ी टाइम हो गया था क्योंकि हम काफ़ी लेट गए थे, और ये क्रॉक्स वगैरह मिल रहे थे। क्रॉक्स तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, बट रात हो चुकी थी तो सब शॉप बढ़ाने लगे थे। और ओपनिंग टाइम इनका मैं आप लोगों को बता दूँ, सुबह 10:30 बजे से ओपन हो जाता है और 7 डेज ओपन ही रहता है, और 9 बजे तक ये बढ़ाने लगते हैं। और जब हम जा रहे थे तो वहाँ पे क्यूट क्यूट से इयररिंग्स मिले, वो फरहीन वो देख रही थी और मुझे अच्छे भी लग रहे। तो ये 100 रुपीज़ का था 1 पेयर, ठीक है, तो आप लोग ले सकते हो अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है लेने में। बाकी मेरे पास तो ऑलरेडी इतना रखे हुए हैं तो मैंने नहीं लिए। फिर हम निकल गए थे घर के लिए, और आप लोग देख सकते हो वहाँ का रोड कितना प्यारा लग रहा था, तो मैंने थोड़ा सा शूट करा, फिर हम घर के लिए निकल गए थे। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताना आपको मेरा व्लॉग ये वाला कैसा लगा, और मैं आगे और भी व्लॉग लेके आती रहूँगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, बने रहिएगा मेरे साथ आगे भी।